प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर सोफिया श्ले की प्राइमर यूज़ करने लगी हूँ। प्राइमर मेकअप से पहले लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका मेकअप काफ़ी देर तक स्टे करता है आपकी स्किन पर। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ करने लगी हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर में यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा गीला करके अप्लाई करूँगी ताकि मेरी फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा गीला करके अगर आप लोग अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत ही ईजीली आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाएगी। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर अपना बहुत ही फेवरेट कंसीलर यूज़ करने लगी हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन का इन शेड C2। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बिल्कुल मलाई जैसी इसकी ब्लेंडिंग है और आपकी आईज़ को, आपकी अंडर आईज़ को बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है। इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार है। मेरा बहुत ही फेवरेट कंसीलर है ये। इसको मैं अब ब्लेंड करने लगी हूँ। कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर APK का ऑयल कंट्रोल फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन और कंसीलर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे मिनीसो का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, बहुत ही अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है और ये टिंटेड लिप बाम है। कंट्रोल के लिए मैं यहाँ पर अतिका ओडू का कंट्रोल पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन शेड चॉकलेट। कंटूरिंग को अब मैं ब्लेंड करूंगी। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर चाइनीज ब्रांड का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने चाइना से बाय किया था। एक निहायत ही खूबसूरत सा पीच कलर है और इसमें शिमर भी ऐड है जो आपके चीक्स को एक हेल्दी ग्लो दे देता है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लश ऑन है। इसको लगा लेने से मेरे चीक्स पर एक हेल्दी ग्लो आ जाता है। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ब्रांड की हाइलाइटिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारे बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं। इसमें से मैं एक गोल्डन शेड लेके अपने चीक बोन को हाईलाइट कर रही हूँ अपने नोज पे। ये देखें जी कितना प्यारा सा ग्लो आ गया है। आई शेडोज के लिए मैं यहाँ पर ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट यूज करने लगी हूँ। एक तरफ मैट शेड है, एक तरफ शिमरी शेड है। बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है। इसमें से मैं एक ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। इसमें से मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर्स को प्रोमिनेंट करने लगी हूँ ताकि थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ग्लैम लुक क्रिएट करना है तो मैं थोड़े से डार्क शेडोज अप्लाई कर रही हूँ।
अब इसी पैलेट में से मैं एक लाइट ब्लू शिमर शेड लेके उसे अपनी आईज पे अप्लाई करने लगी हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर एक गोल्ड शेड ले रही हूँ जिससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकूँ। और फिर यही सेम गोल्ड शेड लेके मैं अपने लिड पे अप्लाई कर रही हूँ अपनी फिंगर की मदद से। टिश्यू पेपर से मैं ब्रश साफ़ कर रही हूँ। टिश्यू पेपर लाजमी अपने पास रखा करें एक के, क्योंकि ब्रश बार बार ख़राब हो रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लग जाने की वजह से, तो बार बार साफ़ करने के लिए आसानी हो तो टिश्यू पेपर ज़रूर अपने पास एक रखा करें। अंडर आइज पे मैं सेम वही जो मैंने क्रीज पे लाइट ब्राउन शेड लिया था उसको मैं अप्लाई करने लगी हूँ। ये मेरा थोड़ा स्टार्टिंग है, हो सकता है इसमें मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही हों, तो प्लीज़ गलती को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी बनाऊँ। अच्छा जी, लैशेस मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। अब जो है यहाँ पर मैं मस्कारा यूज़ करने लगी हूँ। मस्कारा मैं यहाँ पर नोट कॉस्मेटिक का यूज़ कर रही हूँ। वाटर लाइन पे मैं अब ये वाइट पेंसिल लगाने लगी हूँ और ये वाइट पेंसिल है फेस 8 की। लैशेस मैंने अप्लाई कर ली है। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर मिनीसो की किट यूज़ कर रही हूँ। मिनीसो की किट में मैं ये लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। अब मैं आईलाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। आईलाइनर मैं थोड़ा सा मोटा अप्लाई करूँगी। लिप्स को शेप देने के लिए मैं यहाँ पर नोट कॉस्मेटिक की लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं शार्प कर रही हूँ पहले, अब मैं इसको लिप पे लगा रही हूँ। मेरे लिप्स थोड़े पतले हैं तो हमेशा थोड़ी पेंसिल यूज़ करती हूँ ताकि मेरे लिप्स को प्रॉपर शेप मिल सके। यहाँ पर मैं अब रेवलॉन की कलर से लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा न्यूड पीच शेड है। लिप में थोड़े से सॉफ्ट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आईज़ मेरी काफ़ी थोड़ी बोल्ड एंड ग्लैम लग रही हैं इस वक्त, इस वजह से मैं लिप्स को सॉफ्ट रखूँगी। अच्छा जी, अब बारी है नेल्स को पेंट करने की। नेल्स पेंट करना मुझे बहुत पसंद है और रेड नेल पेंट मेरा फेवरेट है। रेड नेल पेंट लगाने से मुझे ऐसा लगता है कि हाथ बहुत ज़्यादा फ्रेश लगते हैं, तो यहाँ पर मैं गोल्डन रोज़ की नेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ अपने नेल्स को पेंट करने के लिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर है। नेल पेंट लग गए हैं। अब बारी है जी बालों की। बालों के लिए ना मेरा स्ट्रेटनर काम कर रहा है, ना मेरा कर्लिंग रॉड काम कर रहा है, ना तो मैं कर्ल्स कर सकती हूँ ना ही मैं स्ट्रेट कर सकती हूँ। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपने बालों का जुड़ा बना लूँ, एक रफ सा जुड़ा बना लूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सॉरी जी, इस वक्त मेरे हेयर ब्रश को इग्नोर कर दीजिएगा, इसका जो हैंडल है वो मुझसे टूट गया था। जब तक मेरा नया हेयर ब्रश नहीं आ जाता मुझे इसी ब्रश से काम चलाना पड़ेगा। अपने जुड़े को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर बॉबी पिंस की मदद ले रही हूँ। बॉबी पिंस की मदद से मैं अपने जुड़े को सेट कर दूँगी। मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं आती है, यही कोई 4-5 हेयर स्टाइलिंग करना आती है।
मेरा चूड़ा यहाँ पर रेडी है। ज्वेलरी की बारी है, मैंने रिंग पहन ली है, ये मैंने अपना बैंगल पहन लिया है यहाँ पे, और इयररिंग्स के मामले में तो मैं सदियों से कंफ्यूज ही रहती हूँ, मैं ये वाला पहनूँ कि मैं ये वाला पहनूँ। आप लोगों में से और कौन कौन है जो मुझसे रिलेट करता है, जो हमेशा ही कंफ्यूज रहता है? मुझे लग रहा है कि ये कुछ बेहतर लग रहे हैं, तो मैंने फिर ये वाले इयररिंग्स पहन लिए हैं। तो जी, ये मेरी फाइनल लुक हो गई है रेडी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये लुक पसंद आई होगी। तो जी, ये है मेरी फाइनल ग्लैम लुक। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जी, मुझे इसी तरह से प्यार करते रहे, मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई भी गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, तो उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ आप लोगों से। चलिए जी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मंगला हाफ।